बैठक का मुख्य उद्देश्य आज रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के तरफ से रखा गया था। जैसा कि आपने सुना भी है, देखा भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया है CWC को। उसी को लेकर हम लोगों ने भी रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया, आज हम लोगों ने करेंगे क्योंकि आपने जो इस्तीफा दिया है उस पर पुनर्विचार करें, इस्तीफा वापस लें। सारे देशवासी राहुल गांधी के प्रति विश्वास और आस्था है, उन्हीं के नेतृत्व में आने वाला समय जो भी चुनाव होंगे विधानसभा या लोकसभा की, उसमें उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हार जीत लोकतंत्र में होता है, इसका मतलब नहीं कि हम मैदान छोड़ दें। मैदान छोड़ने वाले में से कांग्रेसी हम लोग नहीं हैं। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाया कांग्रेसियों ने, तो हम उसके वंशज हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि वे अपना इस्तीफा वापस लें और अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालें और नए सिरे से संगठन की मजबूती के लिए जो भी जहां जरूरत पड़े चेंज करने का, परिवर्तन करने का संगठन में, वो स्वतंत्र है, वो चेंज करें। निश्चित रूप से हम लोग उन पर आस्था विश्वास करें। डॉक्टर अजय का लगातार कांग्रेस में विरोध हो रहा है, आपका क्या मानना है? एक चुनाव हारने के बाद बहुत सारे लोगों में तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। कोई एक व्यक्ति चुनाव में जिम्मेवार नहीं होता हारने का। इस चुनाव में सारे संगठन के साथियों का अपनी अपनी दायित्व होता है और दायित्व के लोग अपने अपने ठीक तरह से निभा नहीं पाते हैं, जिसके वजह से चुनाव में हार होती है। हम लोगों ने 2004 में भी लोकसभा जीते हैं और 2009 में भी चुनाव जीते हैं। सुबोध कांत सहाय जी 2004 में 3,00,000 वोट रिकवरी करके हम लोगों ने रामचंद्र चौधरी को हराया था। तो कांग्रेस के साथियों में ये जज्बा है, जोश है, लड़ने का क्षमता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कमी आ जाने कारण से लोग मायूस। पार्टी का जो हार हुआ ये डॉक्टर अजय के कारण हुआ है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं मानते कि एक व्यक्ति चुनाव में हराने का काम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति को ये लालसा रहती है कि हम चुनाव में जीते हैं। जरूर हमारे बीच में भ्रम पैदा है कि भ्रम को आदमी को छोड़ना चाहिए और संगठन के लिए आगे लोग सब मिलजुल कर काम करें। एक दूसरे को छिटा कसी करने से संगठन मजबूत नहीं होता है बल्कि बदनाम होती है। इसलिए हम सारे साथियों से कहना चाहते हैं कि संगठन की मजबूती के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा। आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है, 4 महीने में चुनाव होने को है। हमारे महागठबंधन के साथियों से आपसी तालमेल बनाए, समन्वय बनाए, साझा कार्यक्रम बनाए और एक आंदोलन का रूप दें। रघुवर दास बहुत सारे खामियां है इस राज्य में, रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड को बर्बाद करने का मंशा हुआ है। मोदी के नाम पर लोगों ने वोट ले लिया है, लेकिन राज्य में जब चुनाव होगी तो इसका जस्ट उल्टा आपको दिखेगा।